जोधपुर के महाराजा श्री गज सिंह साहेब और भारत सरकार के हमारे जलशक्ति मंत्रालय के मंत्री, जोधपुर के लोकप्रिय सांसद श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, पाली के लोकप्रिय सांसद श्री पीपी चौधरी जी, हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, पूज्य संतजन और आज यहाँ पर आयुष योगी कैलाश नाथ जी महाराज के पावन भंडारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, योगीराज सिद्ध शिरोमणि चिड़ियानाथ जी महाराज के इस पावन स्थली को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए उनके इस चरणों को प्रणाम करता हूं और आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, जब भी मैं राजस्थान की धरती में आता हूं, एक अलग ही ओज और तेज भक्ति और शक्ति के अद्भुत संगम के रूप में हम सबको यहां देखने को मिलता है। विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी परंपरा को कैसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए, दुनिया देखने के लिए राजस्थान आती है। राजस्थान में जहां कहीं भी जाओ, हमारे सिद्धों योगियों संतों की इस पवित्र साधना से अलग अलग कालखंड में राजा महाराजाओं के शौर्य और पराक्रम से इस पूरी धराधाम में अद्भुत भक्ति और शक्ति के दर्शन हम सबको अध्यात्म के तेज से भी और वीरता के ओज से भी देखने को मिलते हैं और इसलिए बारंबार राजस्थान की इस पावन धरा को नमन करने का हम सबको एक लोभ हम स्मरण नहीं कर पाते और आज ये मेरा सौभाग्य है कि नाथ पंथ के वरिष्ठतम संत वरिष्ठतम योगी आयुष योगी कैलाशनाथ जी महाराज के इस पावन भंडारा कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आयुष योगी गिरिवरनाथ जी को और अपने नाथ पंथ के वरिष्ठ संत श्री महंत योगी गंगानाथ जी महाराज को श्री मंदिर जालौर को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर प्रदान किया। योगियों सिद्धों की एक लंबी परंपरा हमारे यहां है जिन्होंने विज्ञान को चुनौती दी, भौतिकता के बंधनों से ऊपर उठ करके जिन्होंने जीने का एक राह दिखाई, सनातन धर्म के वास्तविक मूल्यों को जिन्होंने हमें साक्षात दर्शन करवाए, उन सिद्धों और योगियों के कार्यक्रम में उनकी पावन धरा में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो तो जन्म और जीवन दोनों को व्यक्ति धन्य महसूस करता है। और आज यहां पर सिद्ध चिड़ियानाथ जी महाराज की इस पावन धरा पर आकर के मुझे उस प्रकार के आध्यात्मिक तेज को जानने और देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है जिसका एक मूर्त रूप आप सबकी उपस्थिति के रूप में मुझे यहां देखने को मिला। बहनों भाइयों, हम सबको एक बात को ध्यान में रखना होगा, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हर राह मंजिल तक पहुंचती है,
हर राह मंजिल तक पहुंचती है, बसरते हमने राह सही चुनी है। और ये राह वही है जो हमारे सिद्धों ने, हमारे संतों ने, हमारे योगियों ने हम सबको दिखाई है। सनातन धर्म उसका एक विराट रूप है जो सबको अपने अंदर समाहित करता है। और सनातन धर्म के उन मूल्यों के प्रति हम सबका आग्रह होना चाहिए। धर्म एक ही है और वह सनातन धर्म है। बाकी उपासना कितना हो सकती है, पंथ हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं, हर देश हर काल हर परिस्थिति में जो अपनी जीवंतता को बनाए रखा है, बिना टिके, बिना हटे, बिना झुके वह बना रहा है। और इसीलिए दुनिया के अंदर बहुत कुछ आए, बहुत कुछ चले गए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन सनातन धर्म अपनी इस अनवरत यात्रा को सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए निरंतर बनाए हुए है। कुछ कालखंड में कुछ बैरियर आए होंगे, कुछ बाधाएं आई होंगी, कुछ चुनौतियां आई होंगी। अगर हमने बाधाओं का सामना नहीं किया, वे कुछ दिन तक, कुछ देरी तक उन्होंने समाज को चुनौती दी होगी, सनातन धर्मावलंबियों को चुनौती दी होगी, लेकिन जब एकजुट होकर के स्वर एकजुट होकर के निकल पड़ा और एक स्वर में पूरा भारत बोल पड़ा, तो विजयश्री का वर्णन करने में बहुत देर नहीं लगती है। याद रखना, आज भारत जिस बात की अनुभूति कर रहा है वो अनुभूति हम सबके सामने है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। 22 जनवरी को 500 वर्षों के इंतजार के बाद प्रभु राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हर भारतवासी प्रफुल्लित है। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी है, वह आज अपने इस गौरवशाली परंपरा पर गौरवान्वित हो रहा है। और दुनिया के अंदर हर दबी कुचली शोषित सभ्यता और परंपरा को एक नया जीवन मिला है कि 500 वर्षों के बाद अगर अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बन सकता है तो दुनिया के अंदर हर कार्य संभव हो सकता है जो सत्य के नजदीक होगा, वो अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन इसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। विभाजनकारी शक्तियों से हमें स्वयं भी दूरी बनानी पड़ेगी, एकजुट होकर के कार्य करना होगा। अंततः शाश्वत शांति और शाश्वत कल्याण का मार्ग केवल और केवल सनातन धर्म ही दे पाएगा। और आज सनातन धर्म के उन मूल्यों और आदर्शों पर चल करके ही भारत समृद्धि की नित्य नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष को संबोधित करते हुए देशवासियों को एक ही संदेश दिया कि हमने देश की आजादी के 75 वर्ष को व्यतीत कर लिए, अब अगले 25 वर्ष की एक कार्य योजना हम सबको बनानी होगी। 2047 पता नहीं उस समय कौन रहता कौन नहीं रहता, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी जरूर रहेगी। और इस संकल्प के साथ उन्होंने कहा 2047 हर भारतवासी का संकल्प दिवस बनना चाहिए। इस बात का संकल्प पंचप्रण का संकल्प हमारे यहां हर मांगलिक कार्यक्रम के पहले लिया जाता है।
इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूरे के पूरे परंपरा के बारे में पढ़ा जाता है। हम किस परंपरा में पैदा हुए, कौन गोत्र है, कौन हमारा क्या विरासत है, अपने पूर्वजों के बारे में बताते हुए और फिर आगामी भविष्य के बारे में संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और यही पंचप्राण आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतवासियों का स्मरण कराया है। कौन ऐसा भारतवासी होगा, और अगर सच्चा भारतवासी है उसके मन में उससे भाव होना चाहिए कि 2047 होते होते हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने, जिससे हर चेहरे पर मुसाली लाई जा सके, हर बहन और बेटी को के चेहरे पर मुस्कान लाई जा सके। और मुझे लगता है हर भारतवासी, जो सच्चा भारतवासी है, वो अपने देश की सुख और समृद्धि की कामना अवश्य करता होगा। और उस कामना के साथ हम सबको जीने के लिए ये पंच प्राण जो हमारे जीवन का संकल्प बनना चाहिए, यही पंच प्राण है जिसमें हम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता का यही लक्ष्य जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा वोकल फॉर लोकल, स्थानीय परंपरा, लोक परंपरा होगी, लोक व्यवसाय होगा, लोक उद्यम होगा, लोक परंपराएं होंगी, लोक कथानक होंगे, लोक से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उन चीजों को हम लोग जब जैसलमेर क्षेत्र में आते हैं, यहाँ जल प्रबंधन का उत्तम माध्यम लोगों ने अपनाया, बरसात सबसे कम होती है, लेकिन जल का प्रबंधन कैसे होना चाहिए, और जल प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री जी ने जब जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया तो जल शक्ति मंत्री के रूप में जोधपुर के सांसद श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का ही चयन किया। भाइयों बहनों, देश की आवश्यकता है। हम अक्सर करते क्या है, पर्व और त्योहार होते हैं, किसी के यहां गिफ्ट देना होता है, हम विदेशी उत्पाद पर विश्वास करते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए नहीं, हमारे स्थानीय कलाकार में, स्थानीय हस्तशिल्पी में, स्थानीय कारीगर में, स्थानीय किसी व्यवसायी में, स्थानीय किसी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए किसी कारीगर में अगर वह प्रोडक्ट बनाया है, वह उत्पाद तैयार किया है, हम उसका क्रय करें और फिर उसी को किसी को गिफ्ट के रूप में देना, वही दे। क्यों हम विदेशी कार्य के चक्कर में पड़ते हैं, विदेशी चीजों के, विदेशी प्रॉपर्टी के पीछे क्यों भागते हैं? अपने उत्पाद को अच्छा बनाना, उत्कृष्टता की श्रेणी में पहुंचाना, उसकी ब्रांडिंग करना, वैश्विक मंच तक उसको पहुंचाने का कार्य करना आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर अग्रसर करेगा। मोदी जी ने दूसरा संकल्प सुनाया था कि दूसरा संकल्प क्या होना चाहिए, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त कर देना। हम गुलामी की मानसिकता के साथ नहीं जी सकते। दुनिया अच्छी है और हम बुरे हैं, ये नहीं सोच सकता। हम अच्छे हैं और जब दुनिया अंधकार में थी तो पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देखती थी, और तब हमारे ऋषियों ने संदेश दिया था वसुधैव कुटुंबकम का। पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में माने मानने वाली यह वसुधा ये भारत की धरती है, भारत की ऋषि परंपरा है। हम श्रेष्ठ थे इसीलिए आर्य कहलाए। यह भाव किसी और के पास नहीं था, यह हमारे पास था, लेकिन आज हम अपने उस परंपरा के प्रति गुलामी की मानसिकता के कारण हम उसको बोलने में संकोच करते हैं। तीसरी बात जो प्रधानमंत्री जी ने कही थी वो कही थी विरासत का सम्मान, विरासत का सम्मान। ये विरासत का ही सम्मान का भाव है कि हमने अपने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आजादी के उन महान योद्धाओं का, क्रांतिकारियों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जहां सम्मान किया, वहीं साथ ही साथ
इसके साथ एक और शब्द जोड़ा गया है, अपने सैनिकों का, सुरक्षा बलों के जवानों का भी सम्मान करें। तो देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए हम सबको सुरक्षा प्रदान करते हैं। विरासत का सम्मान का ही भाव है। जिस अयोध्या में पहले लोग जाने में संकोच करते थे, आज पूरी दुनिया अयोध्या आना चाहती है। मुझे याद है 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया था, मैं अयोध्या में, मैंने कहा दीपावली को मैं अयोध्या में ही मनाऊंगा। लोगों ने मुझसे कहा क्या कर रहे हैं आप, मैंने कहा मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। अरे आपके खिलाफ एक माहौल चलेगा, तो मैंने कहा क्या हम लोग कोई अपने पक्ष में करने के लिए थोड़ा आ रहे हैं, हम तो यही चाहते हैं कि प्रभु के चरणों में अगर कुछ भी गलत भी कोई हमारे लिए बोल दे तो बोलने दीजिए, लेकिन हम अयोध्या जाएंगे और दीपावली अयोध्या में ही मनाएंगे। अब आप देख रहे होंगे आज वहां का दीपोत्सव दुनिया का एक भव्य उत्सव बन गया है। संकल्प होना चाहिए, आज अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। 500 वर्षों के बाद भगवान विराजमान होंगे अपने मंदिर में, ये विरासत का ही सम्मान है। मैं पिछले दिनों शेखावत जी के साथ यहां आया था, नीलकंठ महादेव के मंदिर को मैंने देखा, कितना भव्य मंदिर बना, और वहां भी 1400 वर्षों के बाद उस मंदिर को फिर इतना भव्य स्वरूप दिया गया। भाइयों बहनों, ये विरासत का सम्मान यही है, एकता और एकात्मता के लिए कार्य करना चौथा संकल्प है। एकता और एकात्मता के लिए बांटने वाले तत्व होंगे, ये जाति के नाम पे बांटेंगे, तमाम भागों के आधार पर विभाजन करने का प्रयास करेंगे। हमें इनके बहकावे में नहीं आना है, हमें तो एक ही हमारी राष्ट्रीयता है वो भारतीय है, हमारा एक ही धर्म है वो सनातन धर्म है, हमारा एक ही देश है वो भारत है। हम अपने देश के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए, अपनी राष्ट्रीयता के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करेंगे, और इस भाव के साथ जब हम कार्य करते हैं तो फिर एक जाति के बंधन में हमको कोई बांधने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। और पांचवा अपने नागरिक कर्तव्य, जिस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में छात्र है, छात्र अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, युवा अपनी ऊर्जा का लाभ देश को दे, व्यवसायी अपने व्यवसाय का लाभ देश को दे। जिस क्षेत्र में जो कार्य कर रहा है वह अपने अपने क्षेत्र में अगर कार्य करता है तो भाइयों बहनों कुछ भी हमारे लिए संभव नहीं। और इन पंच प्रणों के संकल्प के साथ जब हर भारतवासी जुड़ेगा तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा। भारत को दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, क्योंकि 22 जनवरी के बाद एक नए भारत का दर्शन होगा और भारत के अंदर फिर से राम राज्य के दर्शन होंगे। त्रेता युग राम राज्य की स्थापना के बारे में और मेरी भी अपील होगी 22 जनवरी के बाद अलग अलग राज्यों से ट्रेन से आपको ले जाने की व्यवस्था होगी। अयोध्या में आपके स्वागत के लिए उत्सुकता से हम तैयारी करेंगे, पूरी तैयारी है। सभी लोग सहमत है ना? और मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ, राजस्थान वासियों को हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे अपनी विचारधारा की सरकार को लाने में भी मदद की है, क्योंकि इसी में हमारा संरक्षण है, इसी में सुरक्षा है और इसी में विरासत का सम्मान भी है। आज के इस अवसर पर मैं आयस योगी गिरिवर नाथ जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज उनको चादर उड़ाया जा रहा है, आयस योगी कैलाश नाथ जी महाराज की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। चित्त श्रोमणी चिड़िया नाथ जी महाराज की
तप और साधना से पवित्र हुई इस धरा को यहाँ के भक्तों, यहाँ के श्रद्धालुओं के, यहाँ के न्यायियों के रूप इसे भव्य स्वरूप देने का कार्य करेंगे और इस स्थान को यहाँ की परंपरा के रूप आध्यात्मिक और धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने में अपनी मदद करेंगे। हमारी बधाई उनको है, शुभकामनाएं उनको है। इस अवसर पर एक बार फिर से योगिराज सिद्ध शिरोमणि चिड़ियानाथ जी महाराज के इसी चरणों में नमन करते हुए, सिद्ध शिरोमणि हमारे आयसोगी कैलाशनाथ जी महाराज के इसी चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और गिरिवरनाथ जी को हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। एक बार सभी लोग जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करें। 5 मिनट के अभी आगे एक बार बोलिए जय श्री राम, जय जय।